नमस्कार, प्रकाश के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ये विशिष्ट शाम, 14 अगस्त शनिवार। और इस शाम में खास ये है कि हमारे साथ बहुत जाने माने रचनाकार हैं, आदरणीय डॉक्टर रमा पांडे जी और आदरणीय मनोज जैन जी। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रकाशक की काव्य गोष्ठी में। आज की ये शाम हम अच्छी अच्छी कविताओं के साथ कुछ बहुत ही खास बातों का, बहुत ही विशिष्ट बातों का, और क्योंकि विशिष्ट लोग हैं इसलिए विशिष्ट लोगों का सानिध्य मिलेगा, इसलिए बातें भी विशिष्ट होगी, तो उनका आनंद ले सकेंगे। तो ये इसका एक एक पल संजोना है, सहेजना है। इसके साथ ही मैं परिचय करा दूं हमारे साथ जो मंच पर उपस्थित रचनाकार है, आदरणीय डॉक्टर रमा पांडे जी और आदरणीय मनोज जैन जी। हालांकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के मंझे हुए कलाकार हैं, और ऐसी बात नहीं है कि इसमें मैं जो भी कहूंगी वो कुछ कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक चेष्टा कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे जो गुणी जन है, जो मेरे गुरु जन है, वो क्षमा करेंगे। मैं इस प्रार्थना के साथ ये परिचय देने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं इस समय आदरणीय डॉक्टर रमा पांडे जी। डॉक्टर रमा पांडे जी का के बारे में बताना कुछ ऐसा है कि जैसे हम सूरज को रोशनी दिखाएं, या मैं ये कहूं कि मैं जितना भी बोलूं कम होगा। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब फिल्म, रंगमंच, कलम और कैमरा का बहुत सारा योगदान होता है, बहुत सारा हिस्सा मिलता है, तब एक डॉक्टर रमा पांडे जी बनती हैं। और मेरे लिए तो वो एक ऐसा ग्रंथ है जिन्हें जितना पढ़ते जाएं उतना ही ज्यादा उन्हें नई नई बातें समझने का और जानने का मौका मिलेगा। फिल्म, रंगमंच और साहित्य जगत का एक प्रतिष्ठित नाम है आप, भारत गौरव सम्मान से विभूषित डॉक्टर रमा पांडे जी का मोमताज फिल्म्स के जरिए निरंतर सार्थक, स्वस्थ और शिक्षा प्रद फिल्मों और धारावाहिकों के निर्माण में सहयोग होता रहा है, और वो करती आई हैं अपनी इस फिल्म कंपनी के जरिए। जाने अपना देश ये सीरीज है जो पिछले कई वर्षों से दूरदर्शन राजस्थान पर टेलीकास्ट हो रही है और बहुत सफलतापूर्वक हो रही है। और खास बात यह है कि संस्कृति को संजोने का जो एक सराहनीय, एक ऐसा काम जो कि बहुत ही प्रेरक भी है और सराहनीय भी है, डॉक्टर रमा पांडे करती आ रही हैं इसके जरिए। इसके अब तक 250 से भी ज्यादा एपिसोड्स प्रसारित हो चुके हैं, और भारत के कोने कोने से संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य को बड़ी खूबसूरती से इसमें फिल्माया गया है। फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं, टीवी फिल्में भी हैं और फीचर फिल्में भी हैं। 1,500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, युवाओं और महिलाओं से संबंधित विषयों पर ये फिल्में बनी हैं, और बहुत ही ज्यादा प्रेरक और सराहनीय है। जश्न विरासत नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत डॉक्टर रमा पांडे जी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है, और ये प्रयास बड़ा सफलतापूर्वक आयोजित होता रहा है, और इसमें कई दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। और इसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि ऐसी जगह से, जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही बहुत कुछ दिमाग में आता है, लेकिन उस जगह से भी कॉलेज जाने वाले बच्चे आते हैं और आकर सीखते हैं, कुछ बुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो ये भी एक खास बात है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा बीबीसी, बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका, और इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे विदेशी रेडियो चैनल्स हैं जिनसे कि वो लगातार जुड़ी रही हैं। उनके लिखे अनेक नाटक मंचित हुए हैं और नाटकों का रूपांतर भी उन्होंने किया है। किताबों की बात करें तो बेगम बानो और खातून, फैसले, ये खास तौर से इनका नाम मैं लेना चाहूंगी। और इसके अलावा बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है सुनो कहानी, लंबे पतले, और भी बहुत सारी किताबें हैं। गौहर नाम का कविता संग्रह है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कविताओं से पिरोया गया है।
काफ्का के उपन्यास द ट्रायल का हिंदी नाट्य रूपांतर गिरफ्तारी, इसके अब तक बहुत सारे शोज हो चुके हैं। और अभी हाल की बात अगर हम करें तो लल्लन मिस नाम का ट्रांसजेंडर्स पर लिखा हुआ ये उनका नाटक, जिसमें वो स्वयं सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं, उसमें ये भी एक ऐतिहासिक और बहुत ही यादगार नाटक होने वाला है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर रामा पांडे जी की कि उन्होंने उसके रिहर्सल में वो बहुत ज्यादा व्यस्त रही हैं, मसरूफ रही हैं, लेकिन उसमें से अपने कीमती समय को उन्होंने निकाला और हमारे इस पटल पर आई हो, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, डॉक्टर। स्वागत है। और हमारे साथ पटल पर आज हैं जाने माने रचनाकार मनोज जैन जी। मनोज जैन जी, एक नवगीत की बात अगर करें तो उसका एक सशक्त हस्ताक्षर, ये सशक्त नाम है मनोज जैन जी। नवगीत संग्रह उनका जो प्रकाशित हुआ है उसमें धूप भरकर मुट्ठियों में, ये उनका प्रकाशित हो चुका है। अनेक शोध संदर्भ ग्रंथों में नवगीत सम्मिलित हो चुके हैं और कई सारे साहित्यिक समूह का बहुत सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, रचनाओं में उनका नियमित प्रकाशन होता आया है और साथ ही साथ बहुत ही मीठे स्वभाव के और बहुत ही सहयोगी, जिसको कहते हैं कि बात को तुरंत ही आत्मसात कर लेने वाले संवेदनशील कवि की तरह उनका मन, और वैसी ही उनकी आवाज। तो आदरणीय मनोज जैन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज प्रकाशक की इस काव्य गोष्ठी में। कार्यक्रम का आरंभ मैं आदरणीय डॉक्टर रामा पांडे जी से कहूंगी कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मैं कोई फिल्मी डायलॉग तो मार नहीं सकती कि मैं जहां खड़ी होती वहीं से लकीर शुरू होती। चले, तुमने लगा ही दी है मेरी ड्यूटी। तो सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दिन सावनी है, सतरंगे हैं, इंद्रधनुषी हैं, और चूंकि मुझसे गुहार की गई है और मेरी कविता काव्य संग्रह का टाइटल भी गुहार है, मैं इस गुहार के मनुहार, हमारे राजस्थान का शब्द है, की रक्षा करते हुए और सावन का धर्म निभाते हुए पहली कविता सावन में पलूंगी। मुझे पता है मनोज बहुत अच्छा गीत पढ़ते हैं। बड़ी मजेदार बात यह है मेरे लिखने लिखाने में कि मैं अक्सर इस बात से बड़ी वो होती हूँ, क्या कहूँ, चिंतित कि गीत लिखने वाले अगर फैज अहमद फैज की तरह गाने वाले अच्छे ना हुए तो उन बेचारों का हश्र क्या होगा। तो गीत की मधुरता तो उतनी है और यही मधुरता उस अहमद फराज में भी थी, लेकिन पढ़ते बहुत खराब थे। तो मुझे उनकी कैटेगरी में लिखने में ना मानो, मगर बुरी पढ़ने वाली कैटेगरी में बुरा मानते हुए भी मेरे गीत को बर्दाश्त करो। इसलिए अब मैं सावन के नाम अपना सलाम रखते हुए, ये लहरिया मैंने पहन रखा है, ये हमारे सावन की कल हमारी पंचमी हुई, नाग पंचमी, तो सावन सघन है एक गीत है। और ये जो भी उपमाएं हैं वो मेरे कैमरे की तरह चलती हैं, मैं शब्दों को बिंब की तरह इस्तेमाल करती हूँ। दर्शकों से सीधी बात इसलिए कर रही हूँ कि दर्शकों से मेरा पुराना नाता है, वो चाहे कहीं के हों, किसी उम्र के हों, कहीं से भी आए हों, वो मेरे अपने हैं, तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, तो मुझे कभी उनसे हिचकिचाहट नहीं होती। तो दोस्तों, जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ वो एक अंतर से उपजा संवाद है, उसकी मिसाल पर, उपमाओं पर ध्यान दें तो काव्य रस का आनंद आएगा। ताली बजाओ ना बजाओ, मुझे ऐसी एक बात से बड़ी वो कोफ्त होती जब मंच के कवि कहते हैं और अब आपकी ताली चाहता हूँ। नहीं, मैं आपकी ताली हरगिज नहीं चाहती, मैं बस आपका ध्यान चाहती हूँ ताकि आप साहित्य का आनंद ले सकें। नाचिता मयूर, नाचिता मयूर, एक गिराओ गया पाख,
नाचता मयूर एक गिरा गया पांख, बिजली ने आंच दी बादल की आंख। के नाचता मयूर एक गिरा गया पांख, बिजली ने आंच दी बादल की आंख। पर्वत पर फैल गई इंद्रधनुषी फांक, क्या बात है, पर्वत मस्त मूवी। पर फैल गई इंद्रधनुषी फांक। तो बूंदों की जाफरी से हवा रही झांक, कि पर्वत पर फैल गई इंद्रधनुषी फांक, बूंदों की जाफरी से हवा रही झांक। अरे नाचता मयूर एक गिरा गया पांख, बिजली ने आंच दी बादल की आंख। और जब ऐसा होता है तो आपके साथ क्या गुजरता है? कि दहरी से गुजर गया यादों का सांप, कल क्या बात नागपंचमी है, बहुत हुई सुंदर। थी, दहरी से गुजर गया यादों का सांप, के दहरी से गुजर गया यादों का सांप, और जहरीले दंशों से देह रही कांप। और जहरीले दंशों से अब यादों का सांप गुजरेगा तो देह का आलम क्या होता है? कि देहरी से गुजर गया यादों का सांप, जहरीले दंशों से देह रही कांप। और नाचता मयूर एक गिरा गया पांख, इतराया मौसम भी नीमड़े पे झूल गया। नीमड़ा यानी नीम का पेड़। इतराया मौसम भी नीमड़े पे झूल गया, और कल उसे भी जाना है अल्लड़िए भूल गया। कल क्या बात है, उसे क्या भी बात। जाना है अल्लड़िए भूल गया। तो अब मोर पंखी मन है और सर्पदंशी क्षण है। विचक्षणता देखिए, विडंबना देखिए, मन तो मोर पंखी है और देह जो है वो सर्पदंशी है। तो अब मोर पंखी मन है, सर्पदंशी क्षण है, और इंद्रधनुषी आंच में तप रहा ये तन है। सावन में जो लोग सेक्स के बारे में, देह के बारे में कहने से सकुचाते हैं, मेरी लाइनें सीधा संवाद करती हैं कि ऐसे क्षणों में देह की मांग होती है, और उस मांग को हम मारे समाज के डर से इधर उधर छिपा देते हैं। मैंने सीधी बात कहा। अब मोर पंखी मन है, सर्पदंशी क्षण है, और इंद्रधनुषी आंच में तप रहा ये तन है। तो कुदरती किताब की नीली इबारतों में, कुदरती किताब की नीली इबारतों में एक आखर उभर गया, सावन सघन है तप अरे वाह रहा ये तन वाह है। वाह, सावन बहुत बहुत सघन। बहुत थैंक सुंदर, बहुत यू, सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी के साथ जुड़ी वसंत की एक बिना क्योंकि मेरी रिहर्सलें चल रही हैं, इसलिए मेरे गले की बड़ी खूबसूरत आवाज और भी खूबसूरत हो रही, पर फिर भी चलेगा सब कुछ। तो अब आप देखिए कि ऑब्जर्वेशन कहा जाता है लिखने वाले का, और मनोज जी का भी वैसा ही जाता होगा, क्योंकि कलम जो है वो कैमरा है, कम से कम मेरी तो कैमरा है। तो वसंत का एक दिन था, सुबह सुबह। तो वसंत कैसे दिन में
एक छोटी सी हरकत हुई और उसने आपको बता दिया कि अब वसंत आ गया है। और उस हरकत को मैं अपने दर्शकों को प्रस्तुत करती हूँ। वसंत, वन चंपा के एक पेड़ पर सोन चिरैया हंसी थी, हंस रही थी। वन क्या बात, चंपा बहुत के सुंदर। एक पेड़ पर सोन चिरैया हंसे थी, फुदक फुदक कर इधर उधर एक चिड़े को फांसे थी। वन चंपा के एक पेड़ पर सोन चिरैया हंसी थी, फुदक फुदक कर इधर उधर एक चिड़े को फांसी थी। पत्ती पत्ती वो हिला रही थी, ची 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 खिलखिला रही थी। पत्ती पत्ती वो हिला रही थी, ची 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 खिलखिला रही थी। कभी लगता था चिड़े को भगा रही है और कभी लगता था जैसे बुला रही है। कभी लगता था चिड़े को भगा रही है, कभी लगता जैसे बुला रही है। चिड़े को भी खूब खबर थी प्रेम पाश के झांसे की, चिड़े को भी खूब खबर थी प्रेम पाश के झांसे की। दोनों का प्रेम मत छल छला रहा था जैसे जल भरी कटोरी कांसे की। अरे दोनों वाह, का प्रेम मत छल छला रहा था जैसे जल भरी कटोरी कांसे की। काम बाण से दग्ध चिड़े थे, रंग रलियों का ना था कोई अंत। काम बाण से दग्ध चिड़े थे, रंग रलियों का था ना कोई अंत। वो ऐसा मुझको शक होता है, आया वसंत आया वसंत। क्या अब बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जो अगली, जब अगली कविताएं आप सुनेंगी तब ये रंग हम चेंज करेंगे। बिल्कुल और वहां मैं बहुत गंभीर लिखती हूँ तो वो मैं उस पे आऊंगी। अब दो कविताएं अगर मनोज जी माने तो उनकी हो जाए। अरे बिल्कुल, डॉक्टर रमा पांडे जी, आपकी उपस्थिति में काव्य पाठ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो मैं राजुल जी को बहुत आभार देना चाहूंगा कि आपने इतने प्रतिष्ठित मंच काव्य प्रकाशक पेज पर मुझे आमंत्रित किया। और चूंकि गोष्ठी हमारी जारी है और आप सबका आदेश है ही, मैं जिस पृष्ठभूमि पर आपने बहुत सारी प्यारी रचनाएं पढ़ी उसी को आगे बढ़ाता हूँ। सुनिएगा, ये जो मैं गीत पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें जो अभी चल रहा है, जो मौसम है, अपने आप सामने आएगा आपके। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत। गा रहा मन, गा रहा मन झूम कर, ताता धिनक धिन धिन। गा रहा मन झूम कर, गा रहा मन झूम कर, ताता धिनक धिन धिन। गा रहा, अब पहला बंद देखिए। हर दिशा में नेह उमड़ा चौगुना पलचिन। गा रहा मन, हर दिशा में नेह उमड़ा चौगुना पलचिन। कि टरटराने ता टरटराने फिर लगे हैं ताल में दादुर। और राखियां राखियां सजने कलाई पर हुई आतुर। ओ गा रहा मन झूम कर, ताथा धिनक धिन धिन। गा रहा मन झूम कर, ताथा धिनक धिन धिन, ताथा धिनक धिन धिन। ये मेरे गीत की वाह पृष्ठभूमि डॉक्टर रामा पांडे जी बहुत अच्छे से बना चुकी हैं, इसी कारण मैं इसको पढ़ पा रहा हूं। अगला बंद देखिए। वाह छोड़ जाता नई आशा जीव जीवन में, छोड़ जाता जी छोड़ जाता नई आशा जीव जीवन में। उतृप्त होकर फिर पपीहा है मगन मन में, तृप्त वाह होकर फिर पपीहा है मगन मन में। वो डाल पर झूले लटकते, डाल पर झूले लटकते दिन रहे हैं गिन। वाह 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 गा वाह वाह रहा मन झूम कर, ताथा धिनक धिन धिन। गा रहा मन झूम कर। और वाह ये पावसी मौसम है, बारिश और सावन, कहीं कहीं जो एक और दृश्य में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने श्रोताओं के लिए।
कि इंद्रधनु ने मुस्कुरा कर रंग बिखराए, इंद्रधनु ने मुस्कुरा कर रंग बिखराए, ओ कवि हृदय में कल्पना के हंस फिर आए, कवि हृदय में कल्पना के हंस फिर आए, इंद्रधनु ने मुस्कुरा कर रंग बिखराए, ओ कवि हृदय में कल्पना के हंस फिर आए। हो गया जीना कठिन, सुरताल लय के बिन, गा रहा मन ताधिनक दिन दिन, गा रहा मन झूम कर ताथाधिनक धिन धिन, गा रहा। और गीत का अंतिम वाह, बंद, छोटे से बंद में पिरोने की स्वागत। कोशिश की, क्या बसे दिल में मगर शत कोश की दूरी, आवसे दिल में मगर शत कोश की दूरी, ओ काश पावस में मिलन की आस हो पूरी, जी वाह वाह, क्या आवसे दिल में मगर शत कोस की दूरी, ओ काश पावस में मिलन की आशा, काश पावस में मिलन की साध हो पूरी, ओ रात दिन सुधिया निगोड़ी, रात दिन हाँ सुधिया निगोड़ी है चुभोती पिन, गा रहा क्या मन गा बात रहा है, क्या मन झूम बात कर ताथा धिनक धिन धिन, गा रहा मन झूम कर ताथा धिनक धिन धिन, गा रहा मन झूम कर। तो है। वाह वाह एक वाह वाह वाह, छोटे से गीत की प्रस्तुति के बाद मैं अपने तमाम जो दर्शक मुझे इस पटल पर देख रहे हैं, मैं उन सबका प्रणाम स्वीकार करता हूँ, आभार उन्हें अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ उपस्थिति अपनी बनाए हुए हैं। मैं एक गीत और पढ़ता हूँ। हम सब स्वागत लोग स्वागत। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, और हमारे देश में बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल भी हैं अनुकूल भी हैं, तो ये जो गीत है दोनों ही भावों को कवर करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही सकारात्मक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। गरो न तो है भाल हमारा, हम इसकी संतान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, गर्व उन्नत है भाल हमारा, हम इसकी संतान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है। और पहला बंद, शीश उठाए खड़ा हिमालय सागर पांव पखारते, शीश उठाए खड़ा हिमालय सागर पांव पखारते, गंगा जमुनी संस्कृति पर हम तन मन धन वारते, इसकी सुषमा इसका वैभव मोहे सबके प्राण है, भारत वाह भूमि महान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है। एक और बंद, वाह, हमारे यहाँ कितनी विविधता है, कितना प्यारा देश हमारा है, विविध बोलियों भाषा वाला अपना प्यारा देश है, विविध बोलियों भाषा वाला अपना प्यारा देश है, हृदय स्थली इसकी अपना प्यारा मध्य प्रदेश है, प्रेम और सद्भाव सिखाते, प्रेम और सद्भाव सिखाते गीता और कुरान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है। और गीत का अंतिम बंद, मर्यादा का पाठ पढ़ाया अवतारी श्री राम ने, मर्यादा का पाठ पढ़ाया अवतारी श्री राम ने, समर भूमि में रच दी गीता योगेश्वर घनश्याम ने, उर्वशी दधीचि ने हमें सिखाया
ऋषि दधीचि ने हमें सिखाया कैसे होता दान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, गर्व उन्नत तो है बाल हमारा, हम इसकी संतान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है। आदरणीय मंच और इतना प्रतिष्ठित पटल प्रकाशक के पेज से मैं लाइव हूं और आप सबने ये अवसर दिया है, वो हमारी गोष्ठी जारी है। अब मैं चाहूंगा कि इसके बाद पुनः यह मैं बागडोर आज की संचालिका को ही देता हूं, वो रमा जी को आमंत्रित करें, फिर मैं दो गीत सुनाऊंगा आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर है आप बाबा बताइए जी, ये धमका रहे आपसे हैं, ये कह रहे हैं ये कह रही है दो गीत फिर सुनाएंगे, पहले इन्हें उतारो अखाड़े में, एक राउंड ये खेल के जाए। नहीं, बहुत मधुर गीत भाई। जब अब अपन यही अंताक्षरी खेलेंगे, जिस सुर पे आप छोड़िएगा वही सुर से उठाऊंगी। क्या आपने आपने स्वदेश की बात की, मैं स्वदेश पे लौटती, 10 साल मैंने बीबीसी स्वागत। लंदन में काम किया। ये बात राजुल को पता है, और जिन दिनों मैं बीबीसी लंदन रही तो मैं वहां की सिटीजन, सेकंड सिटीजन थी, और मेरी पहली जो नागरिकता थी अपने देश की ही रही, और बहुत मिस करती थी अपना देश, लेकिन काम ऐसा था। तो वहां फिर मुझे राजस्थान ने एक फाउंडेशन बनाई, मैं राजस्थान से हूँ, तो उन्होंने वहां से मुझे लंदन से बुलाया, और हजारों हम लोग आए जो प्रवास, उसके बाद से प्रवासी भारतीय दिवस की स्थापना हुई, हम लोग पहले थे, द फर्स्ट वंस, जिन्होंने ये परंपरा रखी आकर के, और अपने प्रवास से भारत में लौटे। हालांकि अपने आप को बुरा लगता है, जैसे लड़कियां जब ससुराल से मायके आती हैं तो पराए घर की कहलाती है, तो बहुत दुख लगता है। तो इसी तरह जब आप प्रवासी कहलाते हैं स्वदेश आने पर, तो आपको बुरा लगता है। तो उस समय जो मैंने कविता पढ़ी थी, छोटी सी, लेकिन उस पर बहुत रोए थे वहां बैठे लोग, तो मैं मतलब प्यार में उसी को आगे करते हुए मैं इसको पढ़ रही हूँ, स्वदेश। तो मैंने उनके निमंत्रण पे बोला, अहो मात्र भूमि, अहो मात्र छाया, अहो शब्द का भी प्रयोग दर्शक जाने, अहो अपने यहाँ बाकायदा किसी चीज की एप्रिसिएशन में अहो कहा जाता है, और ये शब्द अब हमारी भाषा से भी निकलता जा रहा है और हमारे अभिव्यक्ति से भी, लेकिन इसको जानना चाहिए, बहुत खूबसूरत शब्द है। अहो मात्र भूमि, अहो मात्र छाया, अहो भाग्य मेरे जो तूने बुलाया, अहो क्या बात। मातृभूमि, अहो मातृ छाया, अहो भाग्य मेरे जो तूने बुलाया, बिछड़ कर कभी भी न बिसराया तुझको, हृदय से नहीं दूर कर पाया तुझको, बहुत बिछड़ प्यारा, कर बहुत कभी प्यारा। भी न बिसराया तुझको, हृदय से नहीं दूर कर पाया तुझको, मैं जैसी जहां हूं वो तुझको समर्पित, मैं जैसी जहां हूं वो तुझको समर्पित, सभी तुझको अर्पण, सभी तुझको अर्पित, सभी तुझको अर्पण, सभी तुझको अर्पण, समर्पण में मेरे हजारों नमन है, समर्पण क्या पे बात। मेरे हजारों नमन है, नमन मरुधरा, मेरी धरा मरुधरा कहलाती है, समर्पण में मेरे हजारों नमन है, नमन मरुधरा धीरता को नमन है, नमन वीर भूमि वीरता को नमन है, नमन कर्म को है, नमन धर्म को है, नमन कर्म को है, धरा धर्म को है, नमन माँ की ममता भरे मर्म को है, तू वसुधा मेरी, तू मेरी धरा है, मेरे शून्य में तूने जीवन भरा है, तू वसुधा मेरी, तू मेरी धरा है, मेरे शून्य में तूने जीवन भरा है, अहो मातृभूमि, अहो मातृ छाया, अहो भाग्य मेरे जो तूने बुलाया, मैं क्या जैसी हूँ बात, जहां हूँ वो तुझको समर्पित, सभी तुझको अर्पण, सभी तुझको अर्पित, मैं जैसी जहां हूँ तुझको समर्पित। तो बहुत इसलिए सुंदर। ये मैंने सोचा ये ऐसा लिखना चाहिए जो छोटे युवाओं को भी याद हो जाए और आसानी से पढ़ सकें, ये भी एक मन में था। जब मैं इस पर आई हूँ तो दूसरी कविता भी मैं यहीं से लेती हूँ, और अब मैं आप अपनी मातृभूमि को माँ मानती हैं, लेकिन माँ जो है अपनी वाली, असली वाली, वो माँ ही है, उसके न आदि है न अंत है,
ना उसका पंथ पता ना अंत पता, वो बस एक एहसास है, चली जाती तो भी एहसास और रहती तो भी एहसास है। तो एक कविता मेरी माँ पे बहुत प्रसिद्ध रही और मैं अपने दर्शकों को अर्पित करना चाहती हूँ, और मैं आज अपनी माँ को स्मरण भी करना चाहती हूँ। अब वो है नहीं, इस साल उन्हें गए हुए 10 साल हो जाएंगे, तो यही मान लीजिए कि यादों के इस दशक में अम्मा मैं तुमको फिर याद कर रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है माँ से माँ तक। एक दिन जाड़े की धूप माँ के बगीचे तक उतर आई थी। एक दिन जाड़े की धूप माँ के बगीचे तक उतर आई थी, माँ अपने धवल सफेद बालों के साथ गुलदाउदी से मुस्काई थी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, माँ क्या बात अपने धवल सफेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्काई थी। सहन में माँ, उसका बाग, उसके फूल ही नहीं, कुछ चिड़ियां थी, उनका गोला था, हिंदी का अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए थे। सहन में माँ, उसका बाग, उसके फूल ही नहीं, कुछ चिड़ियां थी, उनका गोला था, एक हिंदी का अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए था। एक अजब सुकून था, माहौल नशे में चूर था, आंगन में जैसे फरिश्ते उतर आए थे। एक क्या अजब बात है, सुकून बहुत अच्छा, था, माहौल नशे में चूर था, आंगन में जैसे फरिश्ते उतर आए थे। मैं माँ के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। मैं माँ के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। माँ की गरिमा, माँ की गहराई, माँ की समझ, माँ की पहल, माँ की धीर धरने की कला मैंने अपने में समेटी थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी जैसे आम की अमराई थी, और मैं उसके होने के एहसास पर झूले झूलती कितना इतराई थी। माँ जैसे वाह, कोई आम की अमराई थी। कि अचानक माँ ने एक प्रश्न पूछा कि अचानक माँ ने एक प्रश्न पूछा, मैं जब मर जाऊंगी तो दोबारा क्या बन जाऊंगी, मैं जब मर जाऊंगी तो दोबारा क्या बन जाऊंगी। मैं हतप्रभ निरुत्तर माँ के प्रश्न को अचानक पड़े तमाचे सा झेल गई। मैं सोचने लगी माँ ये कैसा खेल खेल गई। माँ ने फिर शिशुवत जिद के साथ पूछा, पता ना मरने के बाद दोबारा क्या बन जाऊंगी। मैंने सहसा पाया जैसे माँ कोई जिद्दी बच्चा है जिसके सवाल रोके नहीं जाते, उसके शब्द जो ही हवा में उछाले नहीं जाते। मैंने माँ की ओर देखा, अपना गला साफ किया और कहा, जाओगी कहाँ, यही रहोगी हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे साथ। तुम्हारी देह जब मरने के बाद ऊर्जा तत्व में तपेगी और 80 अवशेष राख बनकर नदी धार की अजस्त्र जल धाराओं में बह जाएंगे, तब माँ तुम वायु तत्व बनकर, राख बनकर हवाओं में बिखर जाओगी। बहुत तुम्हारी खूब, बहुत सुंदर, देह, इसको फिर से गौर से सुने, फिर अर्पित है दर्शकों को भी। तुम्हारी देह ऊर्जा तत्व में तपेगी, आपको मालूम है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। मैं हर तत्व की बात करती हूँ माँ। तुम्हारी देह ऊर्जा तत्व में तपेगी और अस्थि अवशेष राख बनकर नदी धार की अजस्त्र जल धाराओं में बह जाएंगे, तब तुम वायु तत्व बनकर राख के साथ हवाओं में बिखर जाओगी, और तब तुम माँ धरती में समा जाओगी और तुम में आ मिलेगा प्राण तत्व। और तब तुम माँ धरती में समा जाओगी, तुम में आ मिलेगा प्राण तत्व जो इस घास का बीज बनेगा, और तुम यही इसी आंगन में मखमली धूप सी बिछ जाओगी। और जब हम अपने छाले भरे थके पांव इस धूप पर धरेंगे तो तुम उन्हें प्यार से सहलाओगी, है ना माँ, तब तुम उन्हें क्या प्यार बात, से सहलाओगी। ये भी हो सकता है माँ कि वो बीज गुलदाउदी का हो, ये भी तो हो वाह, क्या सकता बात, है माँ कि वो बीज गुलदाउदी का हो। तब तो तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगी, तब तो तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगी। और अगर कहीं गलती से चिड़िया बनी माँ तो इसी आम पर बैठी चहचहाओगी, हमें अपनी भाषा में फटकारोगी और कहोगी, अरे नालायकों, ये किन आलतू फालतू बातों से मेरा घर भर दिया, क्या मैंने तुम्हें विरासत में यही दिया।
अरे नालायको, ये किन आलतू फालतू बातों में मेरा घर भर दिया? क्या मैंने तुम्हें विरासत में यही दी? माँ जोर से हंसती बोली, वाह क्या दिया है जवाब, यानी मैं यही रहूंगी तुम लोगों के पास बनकर एहसास, बस ये एहसास बनाए रखना, संग साथ बनाए रखना। अब मैं चैन से मर जाऊंगी, अपने भगवान के घर जाऊंगी। अब तुम पगली रम्मो नहीं रही, रमा हो गई हो। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही, मेरी माँ हो गई हो। और माँ चली गई, और माँ चली गई। तब से जाड़े में हर साल जब भी गुलदाउदी का फूल खिलता है, मुझे लगता है इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। क्या मुझे बात, लगता है बहुत सुंदर, बात को रोंगटे खड़े इसका हो गए। चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। और इसी ये माँ जी की जी बोलो, कुछ कह रही थी। रोंगटे राजू जी, खड़े हो आपकी कविता सुनके भावुक हो गई हैं, और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं सब वो भी भावुक हैं। भावुक। बहुत आदरणीय प्यारी डॉक्टर कविता, बहुत त्रिवेदी प्यारी जी कविता। आपसे जुड़ने का बहुत स्वागत। दिव्या त्रिवेदी जी रोंगटे खड़े हो गए, उन्होंने भी यही कहा। कुलेश जोशी जी और पूनम अहमद कह रही हैं, आंखें भर आई माँ पर अब तक की सबसे सुंदर कविता। और इसी तरह की बातें बहुत सारी, और खुद इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रो पड़ूंगी। बहुत 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 सुंदर कविता, बहुत प्यारी इतनी कविता। माँ सीख दिया करती थी, हमारी माँ थी सिर्फ इंटर पास, लेकिन हर माँ बहुत विद्वान होती, चाहे कुछ ना पढ़ी। माँ का अंतस तमाम एमए डिग्रियों के ऊपर होता है, क्योंकि उसने जीवन के अनुभव को अपने बच्चों से बांटा होता है। इसी माँ की एक बहुत कम पढ़ती हूँ कविता, वो आज तुम्हारे पटल पे पढ़ रही हूँ। संबंधों की व्याकरण, हिंदी को जानने वाले शायद इस व्याकरण को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान करेंगे कि बहुत सारे एग्जेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउन्स, उपादान, संपदान, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, उनका क्या क्या मतलब होता है। तो ये उलाहना है माँ के नाम। हालांकि अभी माँ के बारे में इतना भारी दिल चल रहा है, और ये भी कहूँ कि सावन में माँ सबसे ज्यादा याद आती है, और मायका याद आता है। उसके बगैर उस घर जाओ तो वो वैसा लगता ही नहीं। और बार बार इसीलिए वो गीत गाए जाते हैं कि अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए। तो वो एक रिश्ता चला जाता है माँ के जाते ही। तो भाई लोग प्यार करते हैं वो बातें, लेकिन माँ माँ होती है। तो संबंधों की व्याकरण एक नई तरीके की अभिव्यक्ति है। उसके बाद जब पढ़ लेंगे मनोज, तो कुछ और तरह की अभिव्यक्ति बताऊंगी मैं, बराबर अपनी कलम के साथ प्रयोग करती चलती हूँ। संबंधों की व्याकरण, माँ ने कहा, रिश्तों की व्याकरण को पहले अच्छी तरह सुनना, रिश्तों की व्याकरण को पहले अच्छी तरह सुनना, तब जिंदगी का ताना बाना बुनना। रिश्तों की व्याकरण को पहले अच्छी तरह सुनना, तब जिंदगी का ताना बाना सुनना। माँ ने कहा, सही अक्षर का चयन सही शब्द को जन्म देता है, सही शब्द से जुड़ता है सही वाक्य, और सही वाक्यों का समूह ही बनाएगा एक सही परिच्छेद, और इन तमाम परिच्छेदों से बनेगी जीवन की कथा। यही कथा तुम्हें उम्र के पन्नों पर उभारती जाएगी, हर पन्ना पलटते ही अगले रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी, और यही सच्चाई जिंदगी कहलाएगी। और अब आप ये देखिए कि अक्षर अक्षर से, शब्द शब्द से परिच्छेद, पैराग्राफ पैराग्राफ से समूह, और समूह से आपकी बनती कथा। तो माँ ने कहा कि सही अक्षर का चयन सही शब्द को जन्म देता है, सही शब्द से जुड़ता है सही वाक्य, सही वाक्यों का समूह बनाता है एक सही परिच्छेद, तो तमाम परिच्छेदों से बनती है जीवन की पड़ती कथा। यही कथा तुम्हारी उम्र के पन्नों पर उभरती जाएगी, हर पन्ना पलटते ही अगले रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी, और यही सच्चाई जिंदगी कहलाएगी। माँ ने कहा, माँ ने कहा, जीवन पुस्तक का कथो कथन अगर सही हुआ है तो संभव है कि उपसंहार के समय दिल में मलाल न रहे। अब क्या कथो बात, कथन जो क्या किताबें बात, पढ़ते हैं, तमाम दर्शकों के लिए इसको बता दूं
कथोपकथन जब आप अपने छोटे से सारांश में अपने कहानी या उसको उपन्यास को समेटते हैं तो उसको कथोपकथन कहते हैं। तो माने कहा कि जीवन की पुस्तक का कथोपकथन वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो कहते कि जब शुरुआत करती है तू अपनी जिंदगी की तो जीवन की पुस्तक का कथोपकथन अगर सही हुआ तो संभव है कि उपसंहार यानी एंडिंग ऑफ द बुक के समय, तो संभव है कि उपसंहार के समय दिल में मलाल न रहे, हम भरी भीड़ में भी अकेले रहे ये ख्याल न रहे। क्या क्या बात भरी है, क्या भीड़ में हाँ बात, हाँ वाह वाह, क्या बात है। हम भरी भीड़ में अकेले रहे ये ख्याल न रहे, माँ की सीख पत्थर की लकीर सी हमेशा मेरे साथ चली, माँ की हर सीख तब लगती थी भली, माँ की हर सीख तब लगती थी भली, माँ जब चली गई तो मैंने पाया कि मैंने माँ को ये सच कभी क्यों नहीं बताया। क्या बात है, माँ जब चली गई तब मैंने पाया कि मैंने माँ को ये सच कभी क्यों नहीं बताया कि माँ अब तुम्हारी व्याकरण के अर्थ बदल गए हैं, रिश्तों के सारे संदर्भ बदल गए। क्या बात कि है, माँ बहुत खूब, बहुत खूब। माँ माँ अब तुम्हारी व्याकरण के अर्थ बदल गए हैं, रिश्तों के सारे संदर्भ बदल गए हैं, संज्ञा तो है पर सर्वनाम नहीं है। क्या बात संज्ञा है, तो है क्या संज्ञा बात तो है, है पर सर्वनाम नहीं है, कर्ता तो है पर संप्रदान नहीं, कर्ता तो बहुत है खूब। पर संप्रदान नहीं है। और इस पर गौर करें कि नेह के हजार पर्यायवाची बोलो पर जब नेह नहीं है तो नेह का भान नहीं क्या है, बात नेह है, के हजार पर्यायवाची बोलो पर जब नेह नहीं है तो नेह का भान नहीं है। विलोम शब्दों पर जीते हैं रिश्ते, विलोम शब्दों पर जीते हैं रिश्ते, विलोम माने उल्टे अर्थ वाले शब्द, मतलब मैं सही कहूं तो वो कहेंगे गलत और मैं काला कहूं तो वो कहेंगे सफेद, और इसी पे रिश्ता जीता है। तो विलोम शब्दों पर जीते हैं रिश्ते, उम्र कट जाती है विशेषणों को घिसते घिसते, झूठी बातें कहते हैं आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कैसे अच्छे लग रहे हैं, ये झूठे विशेषण लगाते। विलोम शब्दों पर अब जीते हैं रिश्ते, उम्र कट जाती है विशेषणों को घिसते घिसते, माँ युग बदल गया है, मैं मुझ तक और सिर्फ मेरा का चलन चल गया है। क्या बात है, माँ बहुत बढ़िया, युग बदल गया है, मैं मुझ तक सिर्फ मेरा का चलन चल गया है, अब तुम्हारी व्याकरण की पोथी का क्या करूं माँ, फाड़ दूं या रद्दी में भरूं। ये एक थी कविता जो मैंने पढ़ी, हमारी संचालिका है नहीं तो अब क्या आप अपनी दो पढ़ेंगे मुझे लगता है चलिए एक रंग बदलती हूँ फिर वहां से आप पकड़िए। दरगाह की छत पर खिले फूल, कुछ ऐसी होती हैं मेरी फिल्में जिनमें मैं सबकी मैं ही लिखती हूँ अपनी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री की और सीरियल्स की ये स्क्रिप्ट्स। तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जब आप बनाते बनाते आपके अंदर कविता उपज जाती है। ऐसी एक दरगाह है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, श्रीनगर में दरगाह मदीन साहब हवल में है। वो ऐसी इकलौती दरगाह है जिसमें कहीं 600-700 साल पुरानी है, जिसमें एक भी टुकड़ा लकड़ी का नहीं लगा और जिसमें सारी कारीगरी लकड़ी से लकड़ी में, सॉरी एक भी टुकड़ा लोहे का नहीं लगा, सारी कारीगरी सिर्फ मट्टी फूलों और लकड़ी से के बीच में है। तो जो छत है उसमें भोजपत्र है और भोजपत्र पर मिट्टी है और मिट्टी पर है आयरिस के फूल, तो मार्च में उसमें आयरिस खिलता है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मंदिर के छत पर आयरिस खिले हो, ये रॉक ये टेरेस गार्डन नहीं है, तो दरगाह की छत पर बाकायदा आयरिस के फूल खिलते हैं। मजार पोश भी उसको कहते हैं क्योंकि लोग उसको कब्रों में भी लगाते हैं, उसका नाम मजार पोश भी है और बेहद सुंदर फ्लावर है। तो उस पर मैंने लिखा है शगुफा कहते हैं फूल को, भोपाल वाले तो जानते हैं उर्दू, तो मुंबई मुंबई वालों की आफत है, शगुफा कहते हैं फ्लावर को। ओ शगुफे आयरिस नीले, ओ शगुफे आयरिस नीले, रहे हमसे तो तुम अच्छे, क्या ओ बात, शगुफे आयरिस नीले, रहे हमसे तो तुम अच्छे, खिले बैठे हो इतरा कर रूहानी आस्तानों पर, खिले
कि जैसे झूमती लतरें खुशी के शामियानों पर। क्या बात, रूहानी, क्या बात, क्या बात, क्या बात, थैंक यू। तो बहुत खूब, बहुत जो ये ओ शगुफे आयरिस नीले रहे हमसे तो तुम अच्छे खिले बैठे हो इतराकर रूहानी आस्थानों पर, कि जैसे झूमती लतरें खुशी के शामियानों पर। ओ शगुफे आयरिस नीले सिखा दे हमको भी नगमा, ओ शगुफे आयरिस नीले सिखा दे हमको भी नगमा जो तू सदियों से गाता है। ओ शगुफे आयरिस नीले सिखा दे हमको भी नगमा जो तू सदियों से गाता है, कि तुझसे सीख ले हम भी जिया ऐसे क्या भी बात है, जाता क्या है। बात है, क्या बात है, कि तुझसे बहुत खूब, सीख ले हम भी जिया ऐसे भी जाता है, कि कैसे, कि वही फूल कब्रिस्तान में लगाया जाता है मजार पर, वही फूल दरगाह की छत पर लगाया जाता है, और एक की शिद्दत क्या से बात वो है, बहुत आपके लिए सुंदर, झूमता है, वो आपके लिए खिलता है, वो आपके लिए रंग भरता है। अगर इंसानी भीतरला हमारा अंतस हमारा अंतर मन ऐसा हो जाए तो क्या हो। तो मैं आगे लिखती हूँ, ओ शगीफे आयरिस नीले सिखा दे हमको भी नगमा जो तू सदियों से गाता है, कि तुझसे सीख ले हम भी जिया ऐसे भी जाता है, कि वो आस्ताना हो या कब्रिस्तान हो, मजार पोश हो या आयरिस नाम हो, फर्क पड़ता नहीं कुछ भी, कि जब खिलना ही उसका काम हो। क्या बात फर्क है, पड़ता वाह नहीं कुछ भी, कि जब वाह वाह खिलना ही उसका काम हो, कि तेरी भीनी सी ये खुशबू समोले सांस में भर के, कि तेरी भीनी सी ये खुशबू समोले सांस में भर के, दबे मिट्टी के भीतर जब खिले अंबर को मुंह करके, दबे क्या बात, मिट्टी बहुत के वाह भीतर वाह जब वाह, खिले अंबर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बेमिसाल, बहुत ये बहुत मेरी कलम की सूफी सोच, थैंक यू सो मच। और तुम्हारी जैसी युवा लड़कियों से और मनोज जी जैसे लोगों से जब दाद मिलती है तो कलम मुस्कुराती है, मैं तो बाद में मुस्कुराती हूँ। और ये मेरी सूफी सोच का एक किनारा है, कि जब मैं सोचती हूँ कि इसको दबा दबा के इसका आप अंदर गांठ को गाड़ते हो, तब भी वो 4 महीने बाद मिट्टी फोड़ता है, अंकुराता है, ऊपर उठता है, 6 सेंटीमीटर है, पुष्प लाता है, फिर नीले रंग में खिल जाता है, आपको मुझको खुशी दे जाता है। काश हमारा वजूद ऐसा हो जाए। अब मनोज जी से पढ़ो। आई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपसे सुनना, आपकी कलम मुस्कुराती है और हमारा अंतर मन, हमारी आत्मा तक मुस्कुराती है जब आपकी ऐसी रचनाएं सुनते हैं। वैसे मैं लखनऊ से हूँ और मैं उर्दू समझ लेती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आई स्टैंड करेक्टर, मैं करेक्टेड। मुंबई में जरा कम लोग उर्दू को उस तरीके से लेते हैं। सॉरी, वैसे तुम विविध भारती में तो आते ही हो गए तुम्हें, और माँ की वजह तो खास तौर पर। इनका नहीं, मनोज का तो मुझे पता था कि भोपाल में है तो जानते ही होंगे। अब दो इनसे पढ़ा लीजिए, मैं फिर पढ़ लूंगी। जी अब आदरणीय मनोज जी से निवेदन करूंगी कि वो रचना पाठ करें, और बीच में मैं क्षमा चाहूंगी, एकाएक कुछ आज बारिश यहाँ बहुत हो रही है और नेट बराबर अरे आंखी कर रहा है, तो एकदम से चला गया था। मैंने भी कुछ सपोर्ट लिया है और उसके बाद फिर ये फिर से शुरू हुआ है। तो अब आदरणीय मनोज जी से निवेदन है कि जी, वो, राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर रमा पांडे जी को सुन के इतना अभिभूत हूं मैं। उनके एक एक शब्द, मतलब कविता किस तरह से, किस अंदाज में उन्होंने बांध दी, चाहे माँ पर हो या और दो उन्होंने कविताएं पढ़ी, आज का आज की शाम बन गई मेरी। मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के सच्ची सामने और कृतित्व के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक गीत पढ़ता हूं। मैं खुद आपकी फैन चांद हूं। सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूं, चांद सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूं, वो धीरे धीरे 100 हिस्सों में बटते बटते, देख वाह रहा वाह वाह हूं, वाह 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 चांद वाह वाह, सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूं, धीरे धीरे 100 हिस्सों में बटते देख रहा हूं। क्या छोटे छोटे बात, बंद होते हैं क्या मेरे बात, गीत के, पहला बंद प्रस्तुत है।
आज क्या की बात इस बात मधुर बात शाम के लिए प्रस्तुत। तोड़ बात पुलों को बना दिए हैं हमने बेढब टीले, तोड़ पुलों को बना लिए हैं हमने बेढब टीले। वो देख रहा हूं परंपरा के नयन हुए हैं गीले, तोड़ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, पुलों को बना लिए हैं हमने बेढब टीले। वो देख रहा हूं परंपरा के नयन हुए हैं गीले, वो नई सदी को संस्कार से कटते देख वाह रहा वाह वाह हूँ, वाह वाह वाह, नई सदी को परंपरा से कटते देख रहा हूँ, चांद सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूँ। बहुत और गीत का अगला बंद, सागर मैं बहुत धन्य हूं कि आप जैसे महनीय लोगों की उपस्थिति में पाठ कर रहा हूं। सुंदर, कठपुतली से नाच रहे हम नचा रही है छाया, कठपुतली से नाच रहे हम नचा रही है छाया, वो अधुना तनु शैली से पूछे क्या खोया क्या क्या पाया। पाया, वाह 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 वाह, कठपुतली से नाच रहे हम नचा रही है छाया, अधुना तनु सहेली से पूछे क्या खोया क्या पाया, ओ घर घर में ज्वालामुखियों को फटते देख क्या रहा बात, क्या बात, हूँ, घर क्या घर बात है, में ज्वालामुखियों को मुखियों को फटते देख रहा हूँ, चांद सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूँ। और एक और बंद किया, इस बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत महफिल के सुंदर, लिए आना। बोली बहुत सुंदर, बानी सोच नदारद अपना लोक नहीं है, वाह बोली बानी सोच नदारद अपना लोक नहीं है, तन मन सब कुछ हुआ विदेशी फिर भी श्रोक नहीं है, वाह वाह, कृत्रिम शोध से शुद्ध बोध को हटते देख रहा वाह हूँ, वाह 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 चांद वाह 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 वाह, सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूँ। और गीत का अंतिम क्या बंद आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करता वाह हूं। वाह वाह, मेरा मैं मुझसे टकरा कर मैं अहम अहमनता, मेरा मैं मुझसे टकरा कर घाट घाट पर टूटा, आहा वाह वाह, मेरा मैं मुझसे टकरा कर टकरा घाट कर, घाट पर टूटा, हर कंकर में शंकर वाला चिंतन पीछे छूटा, छूटा, वाह वाह, मेरा मैं मुझसे टकरा कर घाट घाट पर टूटा, हर कंकर में शंकर वाला चिंतन पीछे छूटा, ओ पूरब को पश्चिम के मंत्र रटते देख देख रहा रहा, हूँ, वाह 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 वाह, चांद सरीखा में अपने को घटते देख रहा हूँ, धीरे वाह धीरे 100 हिस्सों में बटते देख रहा हूँ। और ये गीत बहुत करने अच्छे। के बाद मैं पुनः राजू मैं जी को मनोज याद को करता आ, 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 बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही तो सुंदर गीत, और एक एक पंक्ति तुमने विशुद्ध मंथन चिंतन करके इस समय की वर्तमान परिस्थिति पर लिखी है, और एक तो बहर इसकी इतनी मुश्किल, सुनने वाले भी ये जाने, मैं कोई हिंदी की स्टूडेंट नहीं और ना ही उर्दू की, लेकिन अनुभव आपको क्या क्या सिखाता है। तो हमारा काम है कि ताल लय संगीत देखे, तो ये जो बहर इन्होंने बढ़ते घटते छटते देखा, उसमें विशुद्ध इतनी पंक्तियों, इतने उसमें दोहों में ये इतनी बात कह पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस बिल्कुल प्रयोग के लिए, इस प्रयोग के लिए कि बात भी इतनी सुंदर कही, इतनी सौष्ठव से कही, लालित्य से कही, उसका जवाब नहीं। बहुत आपका सुनकर सुख मिला बहुत आभार। है।
बहुत पढ़िए सुंदर। ना। और पढ़ूंगा वो तो आपकी दो हो गई क्या? आपकी दो हो गई क्या? अब तुम्हें नहीं, अभी मैं यही चाह रहा था अभी कि जैसे राजू समय 6 का समय है तो उसको देख के मैं रुक गया था कि समय की हाँ मर्यादा का भी मुझे ध्यान रखना है, अच्छा तो पर मैं एक एक कविता गीत जरूर पढ़ना चाहूंगी, और वो जरूर। चूंकि कल झंडा लहराएंगे ये मेरे अंदर खदबदाती है, जब भी 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आती, 3 कारगिल वॉर के बाद मैंने ये लिखी थी, और इसका दुश्मन से कोई लेना देना नहीं, इसका देश के अपने दुश्मन से लेना देना है कि हम क्या नाटक करते हैं। तो मैं वो पढ़ना चाहती हूँ अगर इजाजत दे मुझे राजू। आप पढ़िए, स्वागत आपका स्वागत। एक छोटी सी घटना मेरे साथ यही है, मुझे घटनाएं मुझसे कहानी लिखाती हैं, घटनाएं मुझसे कविता लिखाती हैं, घटनाएं मुझसे कलम उठवाती हैं, घटनाएं मुझसे कैमरा उठाती हैं। ये शौर्य चक्र है, इसको वीर चक्र मान लीजिए। वह यूं था कि जैसे आपको याद होगा कि कारगिल में मेजर बत्रा मारे गए थे और बरखा दत्त ने उनकी रिपोर्टिंग उनके ठाम पे जाके कर दी, तो हमारे पड़ोसी देश के लोगों ने, वो भी अच्छे लड़ाकू हैं, वो जगह देख ली, तो मेजर साहब मारे गए। मारे गए उसके बाद मेजर साहब के पिता को 26 जनवरी पे ये वीर चक्र लेने के लिए, शौर्य चक्र देने के लिए बुलाया गया। तो उनके पिता चढ़े, उनके पिता वो 2 सीढ़ियां चढ़ करके जब वो चक्र लेने गए, उस बीच के क्षणों की ये कविता देश को समर्पित है, दर्शकों को समर्पित है। ध्यान से सुनिए और फिर मन में गुनिए। मैंने ये BSF की कंटिंजेंट में सुनाई थी, आर्मी के, और सबकी आंखों में आंसू आए थे, क्योंकि प्रश्न जो मैंने उठाया मैंने अपने सैनिकों की तरफ से उठाया। बात सुनिए, वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। क्या वो बात है, एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। सब कुछ ठहरा सा, ठिठका सा, निस्तब्ध। जब लेने जाते हैं और जब ये चक्र पकड़ाते हैं, उस समय आप राजपथ की शांति को ध्यान से देखिएगा। सब कुछ ठहरा सा, ठिठका सा, निस्तब्ध। एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द। एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द। एक भीगे अंतस की दो सूखी आंखें, एक निर्निमेष दृष्टि पे दो आंसू कांपे। एक भीगे अंतस की दो सूखी आंखें, बाप का चेहरा देखो आप, मुझे तो क्लोजअप में दिख रहा है वो। सब कुछ ठहरा सा, ठिटका सा, निस्तब्ध। एक विराट जनसमूह, एक शून्यता निशब्द। एक भीगे अंतस की दो सूखी आंखें, एक निर्निमेष दृष्टि पर दो आंसू कांपे। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। बोझिल हवाओं में उद्घोषित नाम, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान। बोझिल हवाओं में उद्घोषित नाम, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान। राष्ट्रपति सन्मुख हैं, हो रहा यशगान, बाप को दिया आज बेटे ने दान। राष्ट्रपति, गौर करें लाइनों पर, राष्ट्रपति सम्मुख हैं, हो रहा यशगान, बाप को दिया आज बेटे ने दान। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब बात है, समूचा समय वहीं खड़ा होता है। बहुत वो सुंदर एक पंक्तियां। क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश, वो एक क्षण सारा बच्चा बच्चे का अब तक का जीवन उस बाप के सामने एक क्षण में होता है। वो एक क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश, वो एक क्षण जो लिख जाता है बाकी इतिहास। वो एक क्षण जब जी उठती है बेटे की लाश, वो एक क्षण जो लिख जाता है बाकी इतिहास। वो एक क्षण जो अतृप्त कामनाओं का अंश है, वो एक क्षण जो हजारों विषधरों का दंश है। क्या बात है, जो बिल्कुल वो एक क्षण जो अतृप्त कामनाओं का अंश है, वो एक क्षण जो हजारों विषधरों का दंश है, वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है जब समूचा समय वहीं खड़ा होता है। उस एक क्षण में पुत्र जन्म, मुंडन और ब्याह सब याद आ जाता है। उस एक क्षण में पुत्र जन्म, मुंडन और ब्याह। उस एक क्षण में जलती चिता का गर्म दाह। उस एक क्षण में जलती चिता का गर्म दाह। वो एक क्षण जब गूंजती है तालियों पर ताली, वो एक क्षण जब अंतस हो जाता है खाली।
खाली एक क्या क्षण बात। जब गूंजते हैं तालियों पर ताली, वो एक क्षण जब अंतस हो जाता है खाली, वो एक क्षण सच में इतना बड़ा होता है, जब समूचा समय वही खड़ा होता है, वो एक क्षण उठा जाता है प्रश्न 100 बार, वो एक क्या क्षण बात उठा जाता है प्रश्न 100 बार। वो मुन्ना तो चला गया, अब क्या करोगे यार, वो मुन्ना तो चला गया अब क्या करोगे यार, वो एक क्षण मन को रहा बार बार मत, बस एक क्षण में राजपथ है उसको अग्निपथ, क्या उस बात एक क्या क्षण बात में राजपथ है उसको क्या बात अग्निपथ। वो एक क्षण सच में कितना बड़ा होता है, जब समूचा समय वही खड़ा होता है, वो क्षण क्षण में कह रहे हैं उसने देश को बचाया, सीने पे गोली झेल कर शत्रु को भगाया, उस एक क्षण से पूछता तो कोई ये सवाल, क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया उस एक क्षण से। अब मेरी कविता जो टर्न ले रही है वो देश के सामने है, और ये है वो सवाल जिसका जवाब हर को अपने आप से पूछना है, उस एक क्षण से पूछता तो कोई ये सवाल, क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया, क्या बचाया उसने, नेता की कुर्सी को, अभिनेता की सरकार को, पत्ते सी कांपती हवा में झूलती सरकार को, भीख के कटोरों को, लूटी के बलात्कार को, आतंक की छाया में बंदूक के व्यापार को, आरक्षण की राजनीति में दलित की वार को, धर्मांधता के नाम पर होते नरसंहार को, गुमराह युवकों को, माफिया के संसार को, भ्रष्ट अधिकारियों के फैलते कारोबार को, बिके हुए साहित्यकारों के निरर्थक साहित्यसार को, क्या बचाया उसने और किस लिए बचाया, क्या बात, क्या निःशब्द क्या। देश की जमीन और देश की सीमा के नाम, सैकड़ों जवानों ने दे डाले अपने प्राण, सब कुछ हुआ और कुछ भी ना हो पाया, देश का कलुष लाल रक्त भी ना धो पाया, क्या सब बात कुछ है, हुआ निःशब्द और कुछ भी ना हो पाया, देश की जमीन और देश की सीमा के नाम, सैकड़ों जवानों ने दे डाले अपने प्राण, सब कुछ हुआ और कुछ भी ना हो पाया, देश का कलुष लाल रक्त भी ना धो पाया, लो हो गया सम्मान, चलो मंच से उतर जाओ, लो हो क्या गया बात सम्मान, बोल रहे, अब क्या मंच बात से है, उतर जाओ, लुटे हुए बाप हो जाओ अपने घर जाओ, लुटे हुए बाप हो जाओ अपने घर जाओ, थके हुए पांव हैं, मरा हुआ मन है, शौर्य चक्र है ये या बाप का कफन है, क्या बात जो है, दे। बहुत मैं उन तमाम शहीदों को सलाम करती हूँ निःशब्द, जिन्होंने हमारे अपने पास शब्द प्राण नहीं है। इस नेता के नाम, उस नेता के नाम, हमारे नाम, देश के नाम दिए, इसलिए कि देश बचे, संस्कृति बचे, हमारा साहित्य सार बचे, जो अभी मनोज ने पढ़ा, कुछ भी ना बचा पाए, और वो वहां जाकर घर से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, कहाँ जाके वीराना में हमारे नाम से खून बहाते हैं, शर्म करो देश के लोग, शर्म करो, बस यही कह सकती हूँ। वैसे बहुत इस देश को शानदार बड़ा कविता है मान आपकी। है और देश की भूमि पे बड़ा मान है, मैं सैनिकों के सम्मान में ये बात कह रही हूँ कि हमारा सैनिक बेचारा छुट्टी के लिए तरसता है, हम उन्हें छुट्टी तक नहीं जाने देते, हम उनकी पदवियों के लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी तनख्वाहों के लिए लड़ रहे हैं, ये चीजें तो संसद में एक आवाज पर पास हो जानी चाहिए थी कि इतने दिनों के बाद ये जाएगा, फैमिली के लिए ही काम करने जाता है, छुट्टियां नहीं देते, फिर वो गोलियां मारते हैं अपने ऑफिसरों को, खुद को मार लेते हैं। आई हैव बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद बॉर्डर फोर्सेस, मैं फिल्म करने जाती हूँ, देखती भी हूँ, तो मुझे उनका दर्द समझ में आता है कि कितने कितने साल बहन की शादी क्यों नहीं जाएगा, जाएगा वो, हम कहाँ मर रहे हैं, कौन आ रहा हम पर, क्यों नहीं छुट्टी हम देते, क्यों नहीं इनकी तनख्वाहें बढ़ती, क्यों नहीं इनकी सुविधाएं देते, हाँ हम अपने एमपी के, एमएलए की डबल सैलरी कर देते हैं पेंशन के बाद भी, कि इसलिए कहती हूँ कि अगर खिराजे अकीदत इस झंडे को देनी है, ना ये तख्त रहे ना ये ताज रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, ये क्या मेरे बात, भारत बात माता ने के लिए जिन लोगों ने जान दी उन सबका नमन करते हुए, तमाम शहीद सैनिकों को नमन, और तमाम जो इस समय जुटे खड़े हैं, तमाम जो भर्ती होने जा रहे हैं, उन सब से कहती हूँ, सबसे पहले आप और आप ही देश हैं, और तभी आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, अगर हम अपनी बात नहीं करते एज ए सिविलियन, हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं एज ए सिविलियन,
हम रिश्वत खाते हैं, एसएससीवीलन हम दवाई मिलाते हैं, एसएससीवीलन हम वो हर चोरी का काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हम मौत को बराबर बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं। एज ए सिविलियन हमारा मर जाना ही ठीक है, एज ए सिविलियन हमको उस देश में रहने का हक नहीं, देश बनाना है तो आप पहले अपने आप को बनाओ, अपने आप को बदलो तब आगे बढ़ेगा। सॉरी ये मंच नहीं है वो, पर एक कवि यथार्थ हृदय ने चिंतन, आज बहुत कलम शानदार, उठाई मेरी बहुत और बधाई मुझे आपके लिए। चुभती है ये बात। मैं जब देखती हूँ किसी सैनिक को बोले सैनिक सम्मान में पूरी बैंड बाजे आए हैं, तो क्या करे बैंड बाजों, बैंड बाजा तो तब भी आया था, उसके बाप ने बुलाया था जब उसका ब्याह हुआ था, क्या करें इन बैंड बाजों का। बोले उसके बाद 10 लाख रुपए, 10 दिन की छुट्टी मांगी थी वो तो दी नहीं, 10 लाख रुपए का क्या करें। सो आई 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 एम अगेंस्ट नॉट अ पार्टी, मैं व्यवस्था से सोचने की बात कहती हूँ और सिविलियन से कहती हूँ कि दुष्यंत कुमार तुम्हारे यहाँ हुए मनोज जी, उनको वही शब्द के कोई सवाल तो उछालो यारो, एक पत्थर तो क्या उछालो यारो, पूछो तो सही कि ऐसा क्यों, ताकि उनको भी लगे कि जिनके लिए वो खड़े जान दे रहे हैं वो भी उनको प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एंड माइंड यू मैं कहीं से भी सैनिक पृष्ठभूमि से नहीं कनेक्टेड हूँ तब ये बात करें, तो लोग कहते शायद स्वार्थ है कुछ, नहीं मेरा कोई बहुत स्वार्थ चिंतन परक नहीं, मेरा आपका स्वार्थ मतलब राजुल है विश्लेषण। और मेरा स्वार्थ मनोज जी है, मेरा स्वार्थ दर्शक है। तो अब मैं जाते जाते क्या कहूँ सिवाय इसके कि आने वाले वर्ष में नया हर वर्ष नई हर भोर नई हर सांझ तुम्हें शुभ हो, नए पल्लव नई ऋतुएं नया हर माह तुम्हें शुभ हो, नई हर राह नई हर चाह नया हर गीत तुम्हें शुभ हो, तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे मीत तुम्हारी जीत तुम्हें शुभ हो। क्या हैप्पी बात है, 15 अगस्त। क्या बात है, क्या बात है। आपका आपका आना इस मंच पर और आपको सुनना ये एक ऐसी शाम दे गया है जो जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए एक खास यादगार शाम बन गई है और बहुत सहेज कर रख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मनोज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली आज। अब आज के इस कार्यक्रम को, इस काव्य गोष्ठी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। फिर मिलेंगे और सुंदर रचनाओं के साथ फिर से हम अपना वक्त बिताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।